the classification of signals. In the classification, I have already covered with the single channel, multi channel based on number of sources, then number of dependent variables. Then I have already discussed the deterministic and random signals, then periodic signals, then even an odd signal. Today we are discussing energy and power. Based on the energy and power, signals are either energy signal or power signal, or sometimes neither energy nor power signal like that. एनर्जी पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, और मैंने बताया है आपको कि अगर हम एक सर्किट कंसीडर करें इस टाइप का, जिसमें वीटी सप्लाई है, वीटी वोल्टेज सप्लाई है एंड आर रेजिस्टेंस है. अभी मैंने करंट की बात कर रहा था, हम वोल्टेज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, वो भी आपको पता है. वी स्क्वायर अपॉन आर इज ऑल्सो पावर. आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. Okay, so V square upon R, V square by R is the power of the power consumed in this resistance. So if I take normalized value, means R equal to 1 for the unity resistance, if resistance is unity, then power is V square T or I square T. Okay, so energy of the signal is equal to total power consumed. So from for t tends to infinite, minus infinite to infinite, I square t is equal to 0. Actually minus infinite to infinite ho jayega. This total of minus infinite se plus infinite tak agar power ko add kare to wo energy hogi. तो एक साइनोसोइडल सिग्नल की एनर्जी इन्फाइनाइट हो जाती है, क्योंकि वो माइनस इन्फाइनाइट से चलता है, प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा तो इन्फाइनाइट एनर्जी मेंटेन करेगा. ठीक है, अब इस फॉर्मूले से अगर आपको पावर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सी वन अपॉन टू टी आई स्क्वायर टी. ये और ये दोनों दो इक्वेशन है. सो दिस वन इज पावर. पावर इज इन वन टाइम पीरियड माइनस थ्री टू टी लिया, माइनस थ्री टू टी लिया है यहाँ पे, इसलिए वन अपॉन टू टी करना पड़ेगा. वन टाइम पीरियड माइनस थ्री टू टी टू टाइम पीरियड हो जाते हैं, इसलिए टू टी से डिवाइड किया. एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर. एनर्जी इन पर यूनिट इंटरवल इज पावर. सो ये इक्वेशन आपका हो जाता है एनर्जी का, और ये इक्वेशन बनता है पावर का. कहीं कहीं पर ऐसा भी ले सकते हैं, ये माइनस थ्री टू टी है तो ये तो ऐसा ठीक है, ये आप माइनस टी वाई टू से प्लस टी वाई टू भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर टी आएगा. जीरो टू टी भी ले सकते हैं, तब भी यहाँ पर टी आएगा. देखिए इंटरवल चेंज हो सकता है, जो कन्वीनियंट होता है वो वैल्यू ले जाती है. जहाँ पे इंटीग्रेशन करना आसान होगा उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. ऐसा नहीं करना कि नहीं सर आपने वहां पे माइनस टी टू टी लिखा था तो आप चेंज क्यों कर दिया, चेंज कर सकते हैं. जिस एरिया में आपको इंटीग्रेशन करना आसान होगा उधर हम थोड़ा मूव करेंगे, लेकिन वन टाइम पीरियड एटलीस्ट कवर करना जरूरी है. बिकॉज पावर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एक टाइम पीरियड में पावर कैलकुलेट करना है. ठीक है, टू टाइम पीरियड को लोगे तो उसको टू टी से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर टू इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इनसे हम लोग एनर्जी पावर टेस्ट करेंगे. अब ये सिग्नल, अब ये होता क्या है, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, इनकी डेफिनेशन देखें तो एनर्जी सिग्नल इफ टोटल एनर्जी इज फाइनाइट. इफ एनर्जी इज फाइनाइट देन इट इज ए एनर्जी सिग्नल. इफ पावर इज फाइनाइट देन दैट इज ए पावर सिग्नल. एनर्जी एंड पावर की वैल्यू के बेसिस में एनर्जी और पावर सिग्नल को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है. अगर एनर्जी फाइनाइट है तो एनर्जी सिग्नल, पावर फाइनाइट है तो पावर सिग्नल. अब एनर्जी सिग्नल में पावर जीरो होती है, एनर्जी सिग्नल की पावर जीरो और पावर सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होती है. ठीक है, क्या बताया कि एनर्जी फाइनाइट है तो एनर्जी सिग्नल, पावर फाइनाइट है तो पावर सिग्नल. अब एनर्जी फाइनाइट है तब पावर जीरो होगी,
पावर फाइनाइट है तो एनर्जी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। सो एनर्जी इज, इफ एनर्जी इज इन बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या है, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में कुछ वैल्यू होगी, ठीक। और तब पावर जीरो होगा, और जब इसी पावर में वैल्यू फाइनाइट होगी तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक। अब हम डिस्क्रीट का भी एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेशन होता है। डिस्क्रीट सिग्नल्स में इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन की जगह समेशन यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट था, टी टेंस टू इन्फाइनाइट पहले लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पर टी टेंस टू इन्फाइनाइट लिखा है, तो यहाँ माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लिख सकते हैं। तो ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स एन स्क्वायर। तो अगर आपको डिस्क्रीट सीक्वेंस का एनर्जी कैलकुलेशन करना है तो हर एक पॉइंट को उसको स्क्वायर करके ऐड करना है। अगर आपके पास एक डिस्क्रीट सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 अवेलेबल है और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 1² + 2² + 3² + 4² जो आंसर आया वही एनर्जी है। आंसर एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसलिए ये एनर्जी सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल का पावर जीरो होता है, ठीक। तो उसमें अगर पावर कैलकुलेशन करोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वहां पर रिपीटेशन नहीं है। मैंने जो 1, 2, 3, 4 बताया, ये पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। रिपीटेशन नहीं है तो इसका टाइम पीरियड जीरो होगा, टाइम पीरियड जितना भी है जीरो होगा, तो ये वैल्यू पावर की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। जीरो ये यहाँ पे n इक्वल टू इन्फाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा पूरा, ओके। तो ये पावर कैलकुलेशन के लिए 1/2n + 1 - n·2n xn² वही है, माइनस एन टू एन लिया है तो 2n + 1 क्यों लिया गया, क्योंकि एक सीक्वेंस जो होती है वो 2 times कैलकुलेट हो जाती है पीरियड्स में। जब हम डिस्क्रीट सिग्नल लेते हैं तो उसमें एक सिग्नल कॉमन हो जाता है दोनों में, इसलिए उसको प्लस वन ले लिया गया, ओके। अब हम चलते हैं एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज xt = a cos ωt + θ। इसको नोट कर लीजिए, xt = a cos ωt + θ, ठीक है। इसका पावर कैलकुलेशन करना है, इसके लिए पावर कैलकुलेट कीजिए। xt = a cos ωt + θ, ठीक है। अभी एक बार इसको देख, एग्जांपल को देख लीजिए कैसा हो रहा है। ओमेगा टी प्लस थीटा है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2t - t·t x(t²dt, ठीक है। लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 1/2t - t·t a² cos²ωt + θ dt। इसके आगे का कैलकुलेशन आप कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना है और माइनस टी टू टी लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, टी का वैल्यू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको मैंने 2 parts में डिवाइड कर दिया, 1 + cos²θ। तो कर सकते हैं क्या, cos²θ को लिख सकते हैं 1 + cos²θ। तो 1 का इंटीग्रेशन अलग हुआ, cos²θ का अलग से किया, ये cos हो या साइन हो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं एक इंटायर टाइम पीरियड के लिए तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है। आंसर आया a² / a² / a² पावर।
single duty string has power finite. It is a finite number. Power is finite. Therefore, this is a power single. This is a power signal. Because this is a power signal, energy will be. So this is a power signal. Okay, next, 10 sine 50t plus pi by 4. Tan sine 50t plus pi by 4. Plus 16 cos 100t plus pi by 3. Power is finite. This is a power signal. इसकी एनर्जी अगर मान लो आपने क्या किया आपको पता ही नहीं है कि पावर निकालना है एनर्जी निकालना है मान लो एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो ये इनफाइनाइट आएगी इनफाइनाइट आती है कि जीरो आती है जीरो होती है ना सर अगर फाइनाइट पावर है तो इनफाइनाइट आएगी ठीक है ओके सपोज आपके पास ये है ये तो ठीक है 178 वॉट आएगी अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है xt इक्वल टू e to the power minus 10t ut इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर दो ये पावर अब पावर कहाँ पे कैलकुलेट करना है कहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना है इसके बारे में समझने के लिए सिंपल ये होता है अगर पीरियोडिक सिग्नल देख रहा है तो हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं और नॉन पीरियोडिक होगा तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उसकी एनर्जी remove for one step ठीक है अब मैंने यहाँ पे 0 टू t किया क्यों किया क्योंकि ut से मल्टीप्लिकेशन है जीरो से पहले तो वो जीरो ही है उसका कोई मीनिंग नहीं है तो हम लिमिट 0 टू t ले सकते हैं इसके बाद ये माइनस 20 t हो जाएगा e to the power minus 10t into e to the power minus 10t to e to the power minus 20t ठीक है इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है डिवाइडेड बाय 20 आएगा माइनस वन सो 1/20 आया एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन यूटी माइनस 15 इसमें क्या कैलकुलेट करोगे एनर्जी या पावर एनर्जी
एनर्जी फाइनल जाएगी। बार ऐसा हो जाता है एनर्जी भी जीरो, पावर भी जीरो हो जाती है, एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाती है। इसमें दिख रहा है ऐसे करते हम तो दिखने लगता है आपको, जैसे मैं इसमें चेंज करने लगता हूँ तो दिख रहा है। ओके, ये सिग्नल है, ये 0 से 15 तक एग्जिस्ट करता है, तो इंटीग्रेशन 0 to 15 हो जाएगा और 1 वैल्यू इसका 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटीग्रेशन आएगा, टी टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 15 - 0 तो 15 आ गया। नेक्स्ट कॉस 2πt यूटी u2 - क्योंकि ऐसा देखने से किसी को लग सकता है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है, आपको लगेगा ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया होगा कॉस स्क्वायर 2πt इन द रेंज 0 to 2। u2 - t आपको आता आना चाहिए, कैसे बनाते हैं ये मैं बता चुका हूँ पहले कि u t-2 और u2 - t में डिफरेंस है, ut-2 नहीं है, u2 - t है। ठीक है, और ये इसकी शिफ्टिंग जो हुई है वो राइट साइड शिफ्ट हुआ है तो वैसा लग रहा है, और 0 to 2 का लिमिट आएगा, बाकी तो आपको आता ही है। इसका इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस जो भी हो 1 प्लस cos 2 थीटा में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हाँ 0 to 15 क्यों लिया, t to 15 होना चाहिए, 15 है? अच्छा ut तो 0 to infinite होता है और ut - 15 15 तो होता है तो लोअर लिमिट तो 0 होगी ना, लोअर से अपर तो लेके गए, जैसे यूटी होता तो ये 0 से इनफिनिट तक जाता और 15 पर क्या हुआ कि ये माइनस हो गया। ठीक है, वैल्यू 15 से बड़ी रखेंगे, हाँ तो उससे आगे इसने इसीलिए तो इसको 0 कर दिया, यूटी जो था यूटी था पहले ऐसा पूरा चला जा रहा था इनफिनाइट तक, उसको इस ut-15 ने क्या किया कि 15 से आगे उसमें से 1 हटा लिया, हम इसको अकेला नहीं ले रहे हैं किसी का लिमिट, अरे जो सिग्नल इसका रिजल्टेंट सिग्नल जो बन रहा है इन दोनों का ऐड करने से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बन रहा है
उसका लिमिट ले रहे हैं, ये वाला AXT है, XT का 0 से 15 एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। ये आ गया होगा, 1 आया है इसमें आंसर, पता नहीं, चेक कर लेना सही है कि नहीं है, 1 आ गया, चलो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स, विच ऑफ दीस, वैसे तो मुझे लग रहे हैं सारे ही एनर्जी सिग्नल होंगे, देखने से तो सब एनर्जी सिग्नल लग रहे हैं, तीनों ही एनर्जी सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है, हर सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। हाँ सब, और भी आना चाहिए ना आंसर, किसी और का इधर आंसर आ रहा है, पहले क्वेश्चन में कितनी एनर्जी आएगी, एनर्जी सिग्नल लग रहे हैं देखने से, पता नहीं, फिर कैलकुलेट करके देख लीजिए, ऐसे तो लग रहा है कि सब एनर्जी होगी, इसमें 1 आ रहा है पहले की 1, किसी का कुछ और तो नहीं आ रहा है, ठीक है, जब सबका आ रहा है तो सही होगा। इसमें ये देखो, मैंने एनर्जी की 0 to 1 और 1 dt, 0 to 1 उसमें लिमिट है, 1 कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी, पावर कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाए, एनर्जी फाइनाइट है, पावर 0 है, एनर्जी फाइनाइट होगी, पावर 0 होगी, एनर्जी सिग्नल, पावर 0, ठीक है। नेक्स्ट है RT-2, ठीक, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनेगा। RT होता है 0 to ∞ यूनिट स्लो रैंप सिग्नल, और 2 पे क्या करना है, इसमें से आपको एक और रैंप सिग्नल को माइनस करना है, तो रैंप में से एक रैंप माइनस होता है तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट स्टेप बन जाता है, ये तो ये क्या होता है, इक्वल वैल्यू बचती है, जैसे यहाँ से एक सिग्नल जा रहा है और 2 पे एक और रैंप स्टार्ट हो गया, तो इक्वल वैल्यू, इसमें कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन होता है, और ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेगा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू 2 का सिग्नल, ठीक है। और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 से 2 तक एक रैंप है, TDT है, और 2 के बाद कॉन्स्टेंट 2 है, नहीं आया आगे समझ में क्या हो रहा है, देखो अभी सबसे पहला दिक्कत है कि ये आया कहाँ से, RT तो ऐसा होता है, और RT-2 यहाँ से 2 से स्टार्ट होने वाला एक दूसरा रैंप होता है, अब ये कैसा, एक रैंप है और एक दूसरा एक रैंप है, तो ये 2 तक तो है दोनों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 तक तो सिर्फ यही था, तो यही आ गया। 2 के बाद क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू जो 3 पे वैल्यू 3 होगी, और इसकी 3 पे वैल्यू 1 होगी, डिफरेंस आएगा 2, फिर इसकी वैल्यू 4 पे 4 होगी, और इसकी वैल्यू 4 पे होगी 2, डिफरेंस आएगा 2, ऐसा डिफरेंस इन्फाइनाइट तक मेंटेन रहेगा, तो ये सिग्नल इन्फाइनाइट तक ऐसा एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लिए, और तो ये तो कितना 4/3 होना, कितना होना था, ये सही है, T³/3 होगा ना, तो T³ 8 हो गया, 8/3 एंड 4T-2, और ये कैपिटल T क्या है, कैपिटल T इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट है, तो यहाँ इन्फाइनाइट हो गया, इन्फाइनाइट प्लस समथिंग, सो इन्फाइनाइट, हियर एनर्जी इज नॉट फाइनाइट,
दिस इज नॉट एनर्जी सिग्नल. फॉर एनर्जी सिग्नल एनर्जी शुड बी फाइनाइट. आई कैन नॉट से दिस इज एनर्जी सिग्नल. ये जो हमने यहाँ बोला था ये सही नहीं था. एनर्जी फाइनाइट होना चाहिए. इनफाइनाइट आ गया तो प्रॉब्लम है. अब पावर कैलकुलेट करते हैं. पावर भी चेक कर लेते हैं पावर है कि नहीं है. ठीक है पावर पे चलते हैं. पावर यहाँ पे कैलकुलेट किया टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/2t 0 to 2 t² dt एंड 2 to 4 4dt. ठीक है 1/2 8/3 ये हो गया. ये इतना हो गया इतना हो गया. पावर आ गया इसमें. पावर का वैल्यू 2 वाट आ गया. मतलब ये पावर सिग्नल है. दिस इज ए पावर सिग्नल. देखने में मैंने एक जनरल स्टेटमेंट बोला था कि पीरियोडिक सिग्नल वाला वो हमेशा वैलिड नहीं है. इन जनरल वैलिड है. आपको टेस्ट करना जरूरी है. उसका इंटीग्रेशन करके उसको चेक करना जरूरी है. वो इन जनरल वर्क करता है पर कभी कभी फेल भी हो जाता है किसी किसी प्रॉब्लम. ओके तो यहाँ पर वो फेल हो गया और हमारा जो एनर्जी सिग्नल का कंक्लूजन था वो गलत है. ये पावर सिग्नल है. ठीक है इसकी पावर फाइनाइट आ रही है. अगला लेते हैं थर्ड वाला. इसकी एनर्जी ये सिग्नल है. इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ होगी. लिमिट कहाँ से कहाँ होगी. पावर फाइनाइट है. पावर कितना आ रहा है. पावर इज इक्वल टू 1/2 या कुछ और आ रहा है पता नहीं. अब बता 7 वाट. और कोई मेरे पास आंसर नहीं है इसका. सेवन अपॉन 10. और कोई ऑप्शन. ऑप्शन हाँ 3. ऑप्शन सी 3. और कोई. None of these. कुछ लोगों का ये नहीं आया होगा तो none of these में चला जाएगा.
एनर्जी निकाल लिए, पावर नहीं निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पावर निकाली थी कैसे, टी टेंस टू इनफिनिट 1/2 और सिग्नल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे पावर निकालेंगे, पावर कितना हो जाएगा 1/2 t इंटीग्रेशन 0 to infinite, क्या इक्वेशन है, 1+e to the power -5 t, ऐसा है, स्क्वायर भी होता है, इसके स्क्वायर भी आता है ना, तो ये 1+e to the power -10 t ऐसा कुछ आएगा, +2e to the power -5 t, सो 1/2 t और 0 to t होगा, 0 to t 1+e to the power -10 t +2e to the power -5 t dt, ठीक। 1/2 t ये हो गया t, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा e to the power -10 t -10 और +2e to the power -5 t, यहाँ भी t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल t आ गया, डिवाइडेड बाय -5, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी हो जाएगा -1/20 t e to the power -10 t -2 से 2 कैंसिल हो गया, e to the power -5 t डिवाइडेड बाई 5 t, ठीक है। यहाँ t इक्वल टू इन्फाइनाइट सब्सटीट्यूट होना है कि लिमिट भी है इसमें, लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट आगे लिखा होगा इसमें, लिमिट t टेंस टू इन्फाइनाइट, तो इसमें ये हो गया अभी 0, ये इन्फाइनाइट है, डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट है, और ये भी 1/e to the power 10 t लिख सकते हैं, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो ये पावर हो गया 1/2, ये यहाँ पे इन्फाइनाइट है ना, 1/∞ होगा, ये e to the power -10 t है, ये 1/e to the power 10 t हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे, तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, ठीक है। इस तरीके से ये पावर सिग्नल है,
ये भी एनर्जी सिग्नल नहीं है, तो हमारा वहां का कंक्लूजन ये भी गलत है, ठीक है। दिस इज ए पावर सिग्नल। ओके सो यू स्टॉप हियर।